वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी की सेकंड यूनिट के बारे में सेकंड सेमेस्टर के अंदर, और इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम यूनिट सेकेंड में आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जो कि कार्डियोवस्कुलर सिस्टम की एक डिजीज है। आज इस डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में इसकी इटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेस के बारे में, उसके बाद में इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, फिर सिम्टम्स और साइंस इसके क्या होते हैं, और इसका हम ट्रीटमेंट जो है क्या क्या कर सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन जो होता है इसे हम नॉर्मली जनरली हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। जब नॉर्मली किसी इंसान का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको हमने टर्म देते हैं हाइपरटेंशन। तो एब्नॉर्मल जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि जब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो 140 एमएमएचजी से ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 एमएमएचजी से ज्यादा हो जाए। तो ये जो है कुछ वैल्यूज होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। जैसे हम हार्ट में देखते हैं कि जो सिस्टोल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट है वो कितना कॉन्ट्रेक्शन करता है, और डायस्टोल का मतलब है कि हार्ट जब रिलैक्स होता है। तो इनकी जो है ये वैल्यूज होती है। तो जब इनसे ज्यादा हो जाती है ब्लड प्रेशर तो उसको कंटिन्यूअसली तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसके बाद में है कि जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है कि जो हमारा हार्ट जो है वो जितना ब्लड पंप करता है उस अमाउंट पे जो है डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर, और हमारी जो ब्लड के अंदर आर्टरीज होती है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है उस पे डिपेंड। तो इन दोनों के अमाउंट पे डिपेंड होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर। उसके बाद में इसकी रेंज दी हुई है हाइपरटेंशन की कि कितने टाइप्स के जो है हो सकते हैं और उसकी कितनी रेंज होती है। तो सबसे पहला होता है जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है किसी भी पर्सन का, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 के अंदर रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के अराउंड में रहता है नॉर्मल में। उसके बाद में अगर प्री हाइपरटेंशन होता है मतलब हाइपरटेंशन से पहले की जो स्टेज होती है उस टाइम पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 139 की रेंज में होता है और डायस्टोलिक 80 से 89 में। उसके बाद में अगर स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उस टाइम पे जो सिस्टोलिक है वो 140 से 159 एमएमएचजी रहता है और डायस्टोलिक 90 से 99। उसके बाद में अगर स्टेज 2 किसी को हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर, उस कंडीशन में सिस्टोलिक 160 और डायस्टोलिक 100 या उससे ज्यादा। उसके बाद में है कि कई लोगों की जो एज होती है जब 60 से ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे भी ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है पर्सन का। तो 60 एज जो होती है जिनकी, उस कंडीशन में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो 150 और 90 के आसपास रहता है। उसके बाद में अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट हम अगर देखें कि क्लिनिकल कोर्स के अकॉर्डिंगली कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप्स के हाइपरटेंशन होते हैं। तो फर्स्ट है मैलिग्नेंट और सेकंड है एसेंशियल। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो एसेंशियल जो हाइपरटेंशन है वो ज्यादातर लोगों में होता है 95% में, और मैलिग्नेंट जो है वो 5% लोगों में होता है। तो फर्स्ट एसेंशियल की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें वो जो है 140 90 एमएमएचजी से ज्यादा ही आता है ब्लड प्रेशर, लेकिन 200 और 140 एमएमएचजी से तो कम रहता है, मतलब इससे ज्यादा रहता है लेकिन इससे जो है कम रहता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की बात करें तो इस केस में जो हाइपरटेंशन होता है ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर टाइप का होता है, बहुत डेंजरस टाइप का। तो ये जो हाइपरटेंशन है इसके अंदर जो बीपी है वो राइज हो जाता है बहुत ही ज्यादा, मतलब जल्दी से जो है ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सो गाइस, अब हम अगर इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स देखें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ये ऐसी कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की जिसके अंदर हमें कॉज का जो है पता ही नहीं होता कि किस वजह से जो है ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है। तो ये जो हाइपरटेंशन होता है ये अप्रोक्सीमेटली 95% केसेस होते हैं जो कि डायग्नोज करता है प्राइमरी हाइपरटेंशन को। उसके बाद में सेकेंड टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट में तो जो है हमें कॉज पता नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है इसके अंदर हमें हाई ब्लड प्रेशर का एग्जैक्ट कॉज जो है वो पता होता है कि किस वजह से हाई ब्लड प्रेशर जो है हुआ है। तो ये जो है वो 5 to 10% होता है टोटल केसेस का। इसके बाद में इसके कॉजेज है, कुछ कॉजेज दे रखे हैं। कंजेनिटल नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज की, उसके बाद में रेनाल डिजीज है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है जैसे कुशिंग सिंड्रोम और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे ब्रेन ट्यूमर्स, हेड इंजरी, स्लीप एपनिया और मेडिकेशंस जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स, एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी, उसके बाद में कोगेन। तो ये सब जो कॉजेज है इसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है हो सकता है। उसके बाद में इटियोलॉजी हम देखें अगर हाइपरटेंशन की, इटियोलॉजी जो है जनरली इसका मतलब होता है कॉजेज। तो जो एग्जैक्ट कॉजेज होते हैं हाई ब्लड प्रेशर का वो हमें जनरली पता नहीं होता है कि किस वजह से एग्जैक्टली हाई ब्लड प्रेशर किसी के अंदर होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो है इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं इसको बढ़ाने में। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं स्मोकिंग, उसके बाद में सॉल्ट कंजम्पशन, तो नमक जो है वो ज्यादा कुछ लोग कंज्यूम करता है तो उनके भी चांसेस रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। उसके बाद में है कि एज क्या है और मेल है या फीमेल है, क्या सेक्स है, उसके बाद में स्लीप एपनिया है, ओवरवेट है, उसके बाद में अल्कोहल कुछ लोग कंज्यूम करते हैं तो उस वजह से भी, और जेनेटिकली भी, और स्ट्रेस लेने से भी। तो ये सारे जो है कॉजेज होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। So guys, अब हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें कि किस तरह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें जो फैक्टर होता है वो होता है सोडियम फैक्टर। तो जो सोडियम है वो हमारे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं उसके लिए जरूरी होता है, अच्छा होता है, लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट में सोडियम जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं तो वो जो सोडियम है वो हमारे लिए जो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की जो है कर देता है कंडीशन। तो जब ज्यादा सोडियम जो है वो हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर तब हाइपरटेंशन जो है वो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब सोडियम जो है हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो इस जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन होती है सोडियम की सेट करने के लिए हमारी जो किडनीज होती है वो ज्यादा वाटर जो है रिटेन करती है ताकि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है उसकी उसको जो है डाइल्यूट कर पाए वाटर। तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो एज अ रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें जनरली एक प्रोसेस है कि फर्स्ट एंजियोटेंसिनोजन होता है फैक्टर, वो जो है सबसे पहले रेनिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में एक एंजाइम होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करती है। उसके बाद में जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो 4 तरीकों से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा देता है। फर्स्ट है वेस्कुलर रिमॉडलिंग, सेकेंड है किडनी के अंदर सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करता है और एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। तो इन दोनों की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में थर्ड है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारी वेसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद में फोर्थ है कि नोरा पेनाफ्रिन जो है वो रिलीज करता है। तो इन सब की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। सो गाइस, अब हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो सिम्टम है वो है वॉमिटिंग, उसके बाद में है कि ज्यादा एक्सेसिव जो है स्वेटिंग होने लगती है, ज्यादा पसीना आने लगता है, उसके बाद में है कि नॉजिया, और फिर उसके बाद में जो ब्रीथिंग जो होती है उसके अंदर डिफिकल्टी आने लगती है, उसके बाद में है कि डायबिटीज, उसके बाद में फिर है कि जो नोज है उसकी ब्लीडिंग हो जाती है और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है और यूरिन जो है उसके अंदर ब्लड आने लगता है और ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है और कंफ्यूजन और फटीग होने लगता है और स्लीपीनेस। तो ये सारे जो है इसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में अगर हम इसकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 2 तरीके से हम इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है थेराप्यूटिक और दूसरा है नॉन थेराप्यूटिक मेथड से। तो फर्स्ट अगर हम नॉन थेराप्यूटिक अगर ट्रीटमेंट्स देखें तो इसमें फर्स्ट है कि जो सैचुरेटेड सॉल्ट है उसका हमें रिडक्शन करना होता है। जैसे हमारी जो डाइटिंग होती है उसके अंदर सोडियम जो है वो हमें कम लेना चाहिए, क्योंकि हम जो है कई बार सुनते हैं कि जो सॉल्ट है, जो ज्यादा जिनके ब्लड प्रेशर रहता है तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो जो सॉल्ट का कंजम्पशन है वो कम करें, क्योंकि जो सॉल्ट है उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है बॉडी में। और उसके बाद में है कि शुगर का जो इंटेक है उसको कम लेने के लिए जो है बोला जाता है, रिफाइंड शुगर कम लेने के लिए। उसके बाद में है कि अब एटलीस्ट एक दिन में 5 पोर्शन जो है वो वेजिटेबल्स के खाने पड़ते हैं। तो मेनली जो डाइटिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, और वेट जो है उसका रिडक्शन करना चाहिए। अगर ज्यादा ओवरवेट होता है तो अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो कम करना चाहिए। तो ये सब जो है, और कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये नॉन थेराप्यूटिक जो है मैनेजमेंट है। अगर हम थेराप्यूटिक की बात करें तो जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं, ये सारी जो है वो हमें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। डायुरेटिक्स हो गई, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम होती है उसको इनहिबिट करता है, और एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये सारे जो है रिकमेंड किए जाते हैं थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए। सो गाइज, ये था हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी, और इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज।